नमस्कार। जितनी हिम्मत कुछ कहने के लिए चाहिए होती है उससे ज्यादा हिम्मत सुनने में लगती है, इसलिए अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसे सुनने की कोशिश कीजिए। यह जरूरी होता है हम सब के लिए अच्छा लिसनर बनना। तो बहरहाल अभी तो आप अच्छे लिसनर हैं ही, ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं और आप ना सिर्फ सुनने बल्कि देखने और नोट करने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा होगा। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो राशिफल और टिप्स का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बहुत अहम बात आपको याद दिला दें, बता दें, ये एपिसोड खास है। खास इसलिए है क्योंकि सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी सूर्य की संक्रांति का ये स्पेशल एपिसोड है। अगला एक महीना यानी सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश करना अगले एक महीने तक आपको कैसे प्रभावित करेगा, इसके लिए हम आपको इस एपिसोड में एक महीने की तैयारी कराने जा रहे हैं। आज 16 सितंबर 2017 को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है, देर रात 12:41 पर। अतः संक्रांति का पुण्य काल जिसमें दान पुण्य का विधान है वो अगले दिन यानी 17 सितंबर 2017 को सूर्योदय से लेकर मध्यान्ह तक मनाया जाएगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन हम सब के लिए आने वाले एक महीने में अपना असर रखेगा। आइए देखते हैं कि इस सूर्य की कन्या संक्रांति से हम किस तरह का मार्गदर्शन ले सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते में बढ़ती हुई खलिश को संभालना ही पड़ेगा, तभी जाकर जिंदगी का सुख और सुकून आपके लिए बना रहेगा। अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता तो लानी ही पड़ेगी आपको। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? घर परिवार की खुशियों को हर रूप से बनाए रखें। अगर मन में किसी भी तरह की घबराहट है तो भी उसे अपनी कोशिशों से दूर कर लें। अपनों को खुश रखना बहुत बड़ी बात होगी। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को भी कम ना समझें, उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। छोटी छोटी बातों का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। वृषभ राशि वालों के लिए निजी जीवन के हालात पहले जैसे सुखद ही बने रहेंगे। रिश्तों को संभालने और संवारने के लिए कई और अच्छे मौके भी मिलेंगे। आपकी अच्छी कही हुई बात लोगों को जरूर समझ में आएगी। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपनी कोशिशों को हर संभव बनाए रखना होगा। उसमें बनते बिगड़ते हालात को भली भांति समझ लें। अपने मन में बैठे हुए असमंजस को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या न करें आने वाले एक महीने में? रिश्तों की अच्छाई जरूर बनाए रखें पर अपना नुकसान न करें। कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपका गलत फायदा उठाते चले जाएं। कई बार हम जान ही नहीं पाते कि लोग हमारा गलत इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं और हम इस्तेमाल होते चले जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि कहीं कोई आपका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। सवाल लेंगे ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है विजय असरानी का, 17/5/1989, 1:45 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है, मैसूर कर्नाटक। करियर इनका क्या अच्छा है, क्या और अच्छा आगे हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये आपसे जानना चाहते हैं। 14 साल का इनको एक्सपीरियंस है काम का और कब तक इनकी शादी का योग है ये जानना चाहते हैं। विजय आपकी कुंडली है जी सिंह लग्न की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है शनि की सितंबर 2018 तक। आपने एक सवाल पूछा कि क्या जो जॉब कर रहे हैं उसी से जुड़े रहे या कोई बदलाव कर लें। अभी की आपकी जॉब ठीक है, फिर भी अगर कोई बदलाव का विचार हो या कोई भी संभावना हो आगे बढ़ते हुए तो जून जुलाई 2018 में उन परिस्थितियों का एक बार आकलन कर लें ताकि सही फैसला हो सके। वैसे 2024 से आपका करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो शादी का समय बनता है जी अक्टूबर से दिसंबर 2018 में, अब से लगभग एक साल के बाद। तो अब से एक साल बाद आपकी शादी का योग है और जून जुलाई 2018 में अगर कोई मौका मिले जॉब चेंज का तो उस मौके को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वैसे भी आपका करियर 2024 से बहुत अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि हमारे सामने आ रही है मिथुन और कर्क। तो आइए देखते हैं आपके लिए सूर्य की संक्रांति क्या खास लेकर आ रही है और इस संक्रांति काल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अगले एक महीने तक। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार की अच्छाई आपकी अपनी कोशिशों से ही बन पाएगी, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं इसलिए रिश्तों को संभालने रखना और भी आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बढ़ा दें कि आपके पैसे की स्थिति संभली रहे। वैसे भी पैसे के लेन देन में बहुत सतर्कता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? अपनी बढ़ती हुई जरूरतों के चलते आप अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट ना पैदा करें। जिंदगी का उतार चढ़ाव चलता रहेगा पर बहुत ज्यादा सोचकर अपना मन दुखी ना करते चले जाएं। कर्क राशि वालों को अपनी कोशिशों को बेहतर करने का समय है।
आपकी मेहनत के अच्छे नतीजे भी आपको जरूर मिलेंगे। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपने मन में भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। जैसे ही आप अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो भरोसा कम हो जाएगा। बस इसी चीज से आपको बचना होगा। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? जिंदगी में जो भी अच्छा करने के मौके मिल रहे हैं उन्हें भी कम ना समझें। उनके लिए विचार विमर्श कर लें, पर अपनी क्षमताओं पर किसी भी तरह के सवाल ना खड़े करें। अपनी क्षमताओं पर किसी भी तरह के सवाल मत खड़े कीजिए, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए सूर्य की संक्रांति के स्पेशल एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं कि एक महीने तक आपका राशिफल कैसा रहेगा और उसके बाद आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें, ये ध्यान दीजिएगा। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये भी है कि आप काम के प्रति समर्पित हैं और अपने काम को आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? जल्दबाजी में किए गए फैसलों से तो आपको बचना ही पड़ेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए अपनी सोच में और अपने फैसलों में बहुत ज्यादा धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें आने वाले एक महीने में? घर परिवार की खुशियां बरकरार हैं और भाग्य आपके साथ है। व्यर्थ में किसी वैचारिक मतभेद में पड़कर अपने घर परिवार की खुशियों को कम न करें। कन्या राशि वाले अपने बढ़ते हुए खर्चों को रोकने में बहुत हद तक सफल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उस प्रयास को बनाए रखने की जरूरत है ताकि आगे का रास्ता सुनिश्चित हो पाए। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपने पैसे की स्थिति को लेकर असंतोष बनाने से तो बचना ही होगा। अपने दोस्तों और चाहने वालों के विचारों को भी इसी वजह से समझने की जरूरत पड़ेगी ताकि जिंदगी का सुख बना रहे। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? किसी बड़े फैसले को अंजाम देने की फिलहाल कोशिश बिल्कुल ना करें। जो रुकावटें आपके सामने खड़ी हैं उन्हें संभालने में इस समय कोई कमी ना रखें। तो जो रुकावटें आपके सामने आ रही हैं उन्हें दूर करने का प्रयास आपको करना ही होगा। उनसे बच के निकल जाने से बात नहीं बनेगी, समस्या को ही खत्म करना होगा। हमें सवाल लेना होगा। सवाल हमारे सामने है कृणाल शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 11/4/1991, वडोदरा में इनका जन्म हुआ है। 9:15 पर सुबह बीकॉम किया है, उसके बाद सीएस का कोर्स किया लेकिन कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। लेकिन अच्छा, नौकरी करते भी हैं तो 2-3 महीने में इनको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। एक अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी और करियर कब तक ठीक ठाक होगा? कृणाल, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की सितंबर 2019 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। जॉब मिलती है आपने कहा और छूट जाती है, तो कैरियर में कोई स्टेबिलिटी ही नहीं। आपके लिए एक अच्छा समय बनता है जी अक्टूबर से दिसंबर 2017 के बीच में। इस समय जो जॉब मिले उसे ले लीजिए, उससे वो स्टेबिलिटी भी बन जाएगी। वैसे मैं आपकी कुंडली से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अभी बहुत कुछ सीखने का समझने का समय है और उसके लिए बहुत कोशिश भी करनी पड़ेगी। आपने पूछा कि क्या कोई कोर्स कर लिया जाए, तो कुछ सीखने के लिए कोई कोर्स भी साथ साथ किया जा सकता है, इसमें भी कोई गलती नहीं होती है। पर जॉब के साथ भी आप उस कोर्स को करने का सोच सकते हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर 17 के बीच आपको एक अच्छी नौकरी मिल रही है, यानी वक्त आ चुका है। जो मौका मिल रहा है उसे मिस मत कीजिएगा, और यही जो मौका है ये आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगा, आपको मैच्योर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं कि कैसे मौके आपको सूर्य की संक्रांति में मिलने वाले हैं। आप जानते हैं कि ये एक महीने का एपिसोड है, सूर्य की संक्रांति यानी सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश करने पर ये एक महीने का राशिफल और एक महीने के टिप्स हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं। तुला राशि वालों को अपने पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक ही करने होंगे। उसमें रोजमर्रा के खर्चों को संभालने की भी जरूरत पड़ेगी। अपनी किसी बात से लोगों को नाराज भी ना करते चले जाएं। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? कामकाज के प्रति लगन पैदा करनी होगी। जो भी कर रहे हैं उसमें अपने मन को भटका लेने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? आपके सामने जो भी परिस्थितियां उभर रही हैं उन्हें समझें जरूर, लेकिन जल्दबाजी से फैसले ना करें। कारण कोई भी क्यों ना हो पर लोगों से फासले ना बढ़ने दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए काम से लाभ का योग बना रहेगा और हालात मदद भी करते चले जाएंगे। लोगों से मिलती हुई सलाह और समर्थन भी आपको नई संभावनाओं से रूबरू करवा सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? तकदीर के उतार चढ़ाव अपनी जगह है, पर काम के प्रति लगन बनाए रखनी होगी। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कर लें जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे दे। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? अपनी तकदीर के खिलाफ सवाल ना खड़े करें और ऐसा करके अपने मन को दुखी भी ना करते चले जाएं।
कामकाज के क्षेत्र में किसी मतभेद को बढ़ाने की गलती बिल्कुल ना करें। कामकाज में कोशिश यही होनी चाहिए सबकी कि मतभेदों में ना उलझे हम। मतभेद हमें कमजोर बनाते हैं, हमारी स्थिति को दयनीय बना देते हैं। बचना है कंफ्लिक्ट से। धनु और मकर राशि, देखिए जिंदगी में कुछ चीजों से हमें बचना ही चाहिए क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और उन्हें उलझकर अपनी एनर्जी अपना टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। करना क्या है वो नोट कीजिए अगले एक महीने तक, और बचना किससे है अगले एक महीने तक वो भी। धनु राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े हालात हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं। एक ऐसा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है आपके साथ जो आपके हालात को संभाले रखे। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपनी काबिलियत को और तराश लें और उसे सही रूप से इस्तेमाल भी कर लें, पर व्यर्थ की कोई बड़ी छलांग लगाने से फिलहाल बचे ही रहें। स्थिरता भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? अपने मन की घबराहट के चलते जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझने में कोई गलती ना करें। कई चीजों को सच्चाई के रूप से कबूल भी करना पड़ता है, इसलिए हर परिस्थिति में गलती निकालने की आदत ना बनाएं। मकर राशि वालों के लिए रुकावटों का दौर खत्म हो रहा है और नई संभावनाएं खुलती चली जा रही हैं। थोड़ा समय अभी भी लग सकता है, पर एक एक करके हालात बेहतर ही हो रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? लोगों के बनते बिगड़ते व्यवहार से आप कुछ परेशान रह सकते हैं, पर बहुत सारी परेशानियां आपके मन की बनाई हुई हैं जिन्हें एक एक करके दूर भी करना पड़ेगा। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? घर परिवार में किसी भी तरह के तनाव को बढ़ाएं नहीं। वैसे भी अपने पैसे की स्थिति को लापरवाही से चलाने की गलती बिल्कुल ना करें। कुंभ और मीन राशि, सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश करना यानी सूर्य का जो ये संक्रांति काल है एक महीने तक, वो आपके लिए कैसा रहेगा, आपका राशिफल क्या कहता है और उसके बाद इसमें आप क्या करें और क्या ना करें अगले एक महीने तक। कुंभ राशि वालों के निजी जीवन के तालमेल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, पर फिर भी आपकी अच्छाई और आपका समर्पण आपको मदद जरूर करेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? विचारों के मतभेद से बचना है तो मन में भरोसा जगाए रखना होगा। अपनी बढ़ती हुई घबराहट को काबू में करेंगे तभी यह संभव हो पाएगा। क्या न करें आने वाले एक महीने में? कामकाज की स्थिति को बनाए रखने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी मेहनत को व्यर्थ में बिखरने ना दें। जिंदगी की चुनौतियों को कबूल करने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। मीन राशि वाले ही समझ लें कि अगर लोग नाराज रहेंगे तो उसका असर आपकी जिंदगी पर आ जाएगा, इसलिए हर परिस्थिति को अपनी ओर से संभालना होगा। गलतियों भरे समय में ऐसा करना और भी ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत सारा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आपका असंतोष कुछ ऐसा है जिसे बहुत ज्यादा शांति से संभाले रखना होगा। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? तकदीर को आजमाने की कोशिश में आप बात को बिगाड़ते न चले जाएं। किसी को कुछ समझाने बुझाने के प्रयास में आप व्यर्थ में दूरियां भी न बढ़ाते चले जाएं। कुल मिलाकर ये कहूंगा कि किसी को भी नाराज बिल्कुल न करें। कभी कभी किसी को हम समझाने में इतना ज्यादा उलझते चले जाते हैं कि हम बात तो उसके भले की कर रहे होते हैं लेकिन उससे दूरियां हमारी बन जाती हैं। तो कोई जरूरत नहीं है, समझिए इस समय, बिना वजह पर किसी पर समय मत व्यस्त कीजिए। तो चलते चलते वही बात फिर से दोहराएंगे कि बोलने से ज्यादा हिम्मत सुनने में चाहिए होती है, इसलिए अगर कोई कुछ कह रहा है उसे समझिए। कई बार अच्छा सुनने की आदत डाल लेने से जिंदगी की बहुत सी बारीक सी बातें हमारी समझ में आ जाती हैं जो तब समझ में बिल्कुल नहीं आती जब हम लगातार बोलते रहते हैं। बहरहाल अपना बोलना अब हम आज के लिए रोक रहे हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए, अपने सवाल हम तक भेजिए aapketare@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।